फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे रेसिपी शेयर करी है पंचामृत की। पंचामृत यानी 5 हर्ब से बनी हुई ड्रिंक जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डिजीज़ से लड़ने की ताकत देती है और ऑलरेडी जो डिजीज़ हैं उन्हें धीरे धीरे ठीक करती है। और इस ड्रिंक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको चाहिए 10 नीम के ताज़ा पत्ते। आप नीम के पत्ते एक साथ तोड़ के उन्हें एयरटाइट कंटेनर में भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इनकी डंडी या फूल यूज़ ना करें। नेक्स्ट चाहिए आपको 10 तुलसी जी के पत्ते। यह है राम तुलसी जी हैं और यह है श्याम तुलसी जी हैं। आप किसी भी तुलसी जी का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद की कोई भी औषधि तभी लगती है जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो आप इतवार को तुलसी जी तोड़ना वर्जित रखें और शनिवार को ये तुलसी जी तोड़ के एक डब्बे में रख लीजिएगा। तुलसी जी के पत्ते आप धो के एक बॉल में निकाल लीजिए। यहाँ मैंने 10 तुलसी जी के पत्ते काम में लिए हैं। अब आपको चाहिए गिलोय की डंडी। गिलोय यानी अमृता। इन्हें कम से कम 1.5 इंच के पीसेस में आप काट के रख लें और एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर लें। इस जूस में मैंने सभी चीज़ें ताज़ा इस्तेमाल में ली हैं। अब आप गिलोय को कूट लें अच्छे से और कूटने के बाद में वो इस तरह हो जाए कि वो 2 पीसेस में अलग हो सके। आपको 1.5 इंच के 4 या 5 टुकड़े चाहिएंगे गिलोय के। नेक्स्ट है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा का जेल। आप इसे थोड़ी देर पानी में भिगो दें और उसके बाद इसका जेल निकाल के बाउल में रख लें। अगर आपने कभी आंवले का जूस नहीं पिया है तो आप 1 आंवले से ही शुरू करें, क्योंकि शुरू में ये शायद आपको पतले दस्त 1 या 2 बार कर सकता है। धीरे धीरे फिर आप आंवले की क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। आप पर पर्सन एक क्वांटिटी पूरे दिन में 2 आंवले तक बढ़ा सकते हैं। अब बारी है इन सभी मिक्सचर्स को ब्लेंड करने की। आप ब्लेंड करते समय चाहे तो ताज़ा पानी भी डाल दीजिएगा, पर ध्यान रखिए वो डिस्टिल्ड वाटर हो या बॉइल्ड वाटर हो। साथ ही आपको आंवले की गुठली इस जूस में नहीं डालनी है। इसे अब आप अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद आपको इसे छानना है। इसका टेस्ट बहुत कड़वा नहीं होता है। अगर आपको इसे पीसने में दिक्कत आ रही हो तो आप बीच में थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब तक ये वीडियो आप लाइव बनते हुए देख रहे हैं, मैं आपसे इन 5 हर्ब्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये 5 हर्ब्स आपको हर तरह के डिजीज़ से फ्री रखते हैं। अगर आपको पहले से डिजीज़ हैं तो उन्हें धीरे धीरे करके ठीक करते हैं। तो प्लीज़ इस समय जब सब तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप इस ड्रिंक को 2 टाइम फ़ौरन लेना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी पे तब अटैक करता है तब जबकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो और हमारे WBC उसे ढंग से फाइट नहीं कर सकें। साथ ही हम ऑलरेडी पहले से बीमार हों, ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी वीक होती है और वायरस जल्दी घर बना लेता है। इस ड्रिंक में जो 5 हर्ब्स यूज़ हुई हैं उसके ऊपर दुनिया भर के लेख हैं, रिसर्च पेपर हैं और किताबें लिखी गई हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने हर हर्ब और वो किस बीमारी को दूर करती है इसके ऊपर शॉर्ट में हिंदी में स्लाइड्स डाली हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में हम बात करें तो ये ब्लड डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, नर्वस सिस्टम, किडनी, लीवर, गट फंक्शन, बोन्स, स्किन, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, हर एक डिजीज़ से लड़ने की आपको ताकत देता है। और बाई बैड लक अगर ये डिजीज़ में से कुछ आपको पहले से हो गई है तो ये इसे धीरे धीरे ठीक भी करता है। आप अपने रेगुलर मेडिसिन चालू रखें और इस जूस को 2 टाइम लेते रहें। जो लोग ना तो डिजीज़ से परेशान है और ना ही इम्यूनिटी वीक है तो उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट है और साथ ही वेट लॉस का भी काम करता है। 8 से 10 दिन में आपके बालों को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी स्किन क्लियर कर देता है, साथ ही आपका 1 महीने में 3 से 4 kg वेट भी रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स, जूस बनके तैयार है। आप सुबह उठते ही खाली पेट इसे 1 कप से थोड़ी कम क्वांटिटी में लें। शाम को खाना खाने के कम से कम 1 घंटे पहले सेम क्वांटिटी में लें।
एक दिन का जूस आप बना के फ्रिज में स्टोर रख सकते हैं। यह ड्रिंक आप बच्चों को दे सकते हैं। आप 10 साल से 20 साल तक की एज में तो सेम क्वांटिटी दें जो एडल्ट लेंगे, उससे नीचे आप बच्चों को 1 से 2 स्पून तक उसे सुबह और शाम दें। आप इसे फ्रिज में शाम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है और ये बिल्कुल हर्बल और नेचुरल है। आप प्लीज़ इस समय अपना बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से दूर रहें, खुद को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करें, स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव रहें और अपने खान पान को सुधारें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। आप इन्हें लेना स्टार्ट करें एंड ट्रस्ट मी, विद इन अ वीक आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसे ट्राई करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।